नगमा जी, कॉन्ग्रेट्स, एक नया अवतार आप पेश करने वाली हैं दर्शकों के सामने, मतलब लोगों के सामने, एक सफल पीआरओ से एक सफल निर्माता बनने की ओर है। क्या प्रेरित किया आपको पहले ये बताइए, और अभी तक की चुनौती जो होगी निर्माता बनने में उसके बारे में बताइए। देखो, पीआर तो मेरा मेन बिजनेस है, मेरी कंपनी है शाज मीडिया एंटरटेनमेंट जो पीआर इवेंट्स और प्रोडक्शन करती है। तो अब मैंने सोचा कि 2021 में हम प्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि अभी डिजिटल इंडिया का ज़माना है, तो डिजिटल में थिएटर तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट बहुत कम चल रहे हैं, बंद हो गए थे। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि अब वेब सीरीज़ का ज़माना है, तो वेब सीरीज़ शूट करते हैं। सो मुझे अच्छे इन्वेस्टर्स भी मिल गए, कुछ पैसे मैंने अपने खुद से भी लगाए, तो मैं अभी वेब सीरीज़ शूट कर रही हूँ, जिसके अंदर जिसका नाम है सिस्टम अपडेट। डायरेक्टर है रोहित चौधरी और एक्टर है इमरान हसनी एंड एजाज खान। सो अच्छा लग रहा है मुझे काम करके। तो नाम काफी इंग्लिश है, सिस्टम अपडेट, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से? और एजाज खान की अगर बात करें तो उनका कोई भी रोल अभी तक जो रहा है बहुत ही पावरफुल रहा है, इसमें भी कुछ पावरफुल रोल में नजर आएंगे, उसके बारे में कुछ बताइए क्या बन जाएंगे? ऑफकोर्स, एजाज खान का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेन लीड हीरो है हमारे इस वेब सीरीज़ के। और सिस्टम अपडेट का मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम चलता है, पुलिस और हमारी गवर्नमेंट, वो जो आजकल हमारे गवर्नमेंट हमारे लोगों के लिए काम कर रही है, जिसके अंदर लड़कियों के रेप हो रहे हैं, लोगों को जो सिस्टम अपडेट का मतलब हमने नाम इसलिए रखा क्योंकि हमारी ये जो वेब सीरीज़ है, इसके अंदर हम सोशलाइज दिखाना चाह रहे हैं कि सोशल एक्टिविटीज़ जो हमारी गवर्नमेंट हमारे लोगों के लिए कर रही है, जनता के लिए कर रही है, जिसके अंदर जो काफ़ी आजकल रेप हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, चोरियाँ हो रही हैं, तो उसी के ऊपर हमारी, उसी को आधारित ये हमारी स्टोरी है, जिसके अंदर एजाज एक आईपीएस ऑफिसर बने हैं और वो कैसे लड़कियों को बचाते हैं। इस फिल्म के अंदर ये दिखाया गया है कि 16 लड़कियां किडनैप होती हैं, उन लड़कियों को कैसे बचाया, कैसे उनको अपने अपने घर तक पहुंचाया, ये सब एजाज ने किया है। और गवर्नमेंट के लिए और पब्लिक के लिए भी सोशल मैसेज है इस वेब सीरीज़ में कि आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करें और कैसे उनको लोगों से बचाएँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म का अभी दौर चला है, हर नया रोज कोई ना कोई OTT प्लेटफॉर्म खुल रहा है, तो उस कंपटीशन को आप कैसे अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे या कैसे आप सफल हो पाएंगे आपको लगता है? तो इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक्सेसिव हो चुका है ये चीज़। देखो, अब मैं किसी को बुरा तो नहीं बोलूँगी कि ये OTT अच्छा है, वो OTT अच्छा है। देखो, ये एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों के लिए बहुत काम कर रहा है, इसके लिए आर्टिस्टों को भी काम मिल रहा है, काफ़ी डायरेक्टर्स को भी काम मिल रहा है, जो लोग घर पे बैठे थे उनको भी काम मिल रहा है। तो अभी OTT का अच्छा हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के हम सबको रोजी रोटी मिल रही है, और अगर हम बना रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है और आगे भी चलेगा। और सिर्फ एक ही वेब सीरीज़ नहीं बनाऊंगी मैं, आगे और भी कंटिन्यू बनाती रहूंगी, जिससे मेरे एक्टर्स को सबको काम मिल सके। ये भी जानना चाहूंगा कि फिल्म बिजनेस से जुड़ी हैं आप, मतलब फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन सब कुछ किया, आपको क्या लगता है कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म फिल्म बिजनेस को कितना अफेक्ट करने वाला है, खासकर थिएटर ऑनर्स और थिएटर बिजनेस में जो इन्वॉल्व है? थिएटर को तो प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि लोग थिएटर में तो जाना चाहेंगे, एक फैमिली जो होती है वो थिएटर में तो जाएगी ही, हफ्ते में एक बार तो जाएगी ही जाएगी। और बाकी, लेकिन लोगों को कन्वीनियंट भी हो गया है OTT की वजह से कि वो OTT प्लेटफॉर्म पर अच्छी अच्छी फिल्में, बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में चल रही हैं, सो घर पे हम बैठ के देख सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को थिएटर तो जाना ही होगा, हफ्ते में एक बार तो घर से निकलेंगे ना, हर टाइम पूरा हफ्ता घर में तो नहीं बैठ सकते, तो थिएटर का नुकसान कुछ नहीं होगा। शुरुआत कर चुकी हैं आप निर्माण की क्षेत्र में, तो आगे का क्या प्लानिंग है, किस तरह के प्रोजेक्ट और लाने वाली हैं? और जहाँ तक OTT और ये जो वेब सीरीज का फॉर्मेट है, काफी रोकथाम हुई, लेकिन फिर भी कई लोग अभी भी वो गंदगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में भी कमेंट कर दीजिएगा। अब गंदगी के बारे में तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कुछ भी, क्योंकि सबका जो काम हो, जिसका जो काम है वो कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं बनाऊंगी जिसमें कि गंदगी दिखे, और मैं अपनी फैमिली को नहीं बता सकूं कि मैं ये बना रही हूँ। तो मैं ऐसे ही कंटेंट पे काम करूंगी जो सोशल पर हो, जो बायोपिक हो किसी की, फैमिली ड्रामा हो, यंगस्टर्स के ऊपर हो, तो मैं ऐसे ही वेब सीरीज़ बनाना चाहूँगी। सिस्टम अपडेट, ये जो कहानी है, ये बेसिकली जो अपनी सरकार की सिस्टम है, हैंकॉक इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म पे सिस्टम अपडेट, ये बहुत बड़े लेवल पे एक वेब सीरीज़ बनने जा रही है, और
इस वेब सीरीज़ में हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी सरकार है, मतलब हमारी जो सिस्टम है और जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम करने का जो तरीका है, उसके ऊपर हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया है। कैसे कि क्राइम्स तो बहुत होते रहता है और इन क्राइम के पीछे कई लोग जुड़े होते हैं, कई मतलब समाज के कई विघातक जो लोग होते हैं वो जुड़े होते हैं, और सभी को ये लगता है कि हमारी सिस्टम या हमारा जो डिपार्टमेंट है, क्या हुआ, चेहरा तो दिख रहा है, हैंकॉक इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म पे सिस्टम अपडेट, ये एक बहुत बड़ी वेब सीरीज हम अभी कर रहे हैं। ये वेब सीरीज जो है ये फ्यूचर विजुअल्स बैनर के तले प्रोड्यूस की जा रही है और इसके निर्माता है कांजीभाई गामी और मुरजीभाई गामी। ये जो सिस्टम अपडेट की जो कहानी है ये पूरी तरह से हमारी सरकार और जो पुलिस डिपार्टमेंट है इनके ऊपर है, मतलब सोशल इशू है कि हमारे जो समाज में कई घटनाएं घटते रहती है, जैसे कि चोरियां है, खून है, बलात्कार है। तो बेसिकली सिस्टम अपडेट में हम लोगों ने बलात्कार, रेप, इन केसेस पे फोकस किया हुआ है। हमेशा ये कहा जाता है कि सरकार इन मामलों में ज़्यादातर पीछे रहती है या पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम ढंग से नहीं कर पाती है, तो ऐसा नहीं है। सब जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कितना प्रेशर होता है, राउंड द क्लॉक 24 घंटे पुलिस वाले अपना काम करते रहते हैं, फिर भी पुलिस वालों को बदनाम किया जाता है। उसके कई अलग अलग कारण हैं, मतलब ये नहीं कहूँगा कि सभी बदनाम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर कोई केस अपने टाइम पे सॉल्व नहीं होती है तो वो जो ऑब्लिगेशंस है या जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से पुलिस वालों पर थोप दिया जाता है कि पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, तो ऐसा नहीं है। तो पुलिस सिस्टम और पूरी डिपार्टमेंट और हमारी जो सरकार की जो सिस्टम है ये किस तरह से काम करती है, कितनी मेहनत करती है और कितने लगन से कोई भी केस सॉल्व करने के लिए अपनी जी जान लगा देती है और किस तरह से इसका रिजल्ट अपने सामने लाती है, इसके ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है। सर, आप जानना चाहूँगा कि जो किरदार आप निभा रहे हैं वेब सीरीज की, अभी की वेब सीरीज की बात हो रही है, लेकिन फिल्मों में भी ज्यादातर नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट को, पुलिस ऑफिसर्स को, तो वो कहाँ तक गलत मानते हैं कि लोगों के नज़र में एक इमेज खराब होती है पुलिस डिपार्टमेंट की? नहीं, वो तो अभी कैसा है ना कि स्टोरी और स्क्रिप्ट के हिसाब से दिखाया जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर वक्त मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को निगेटिव या ग्रे शेड में ही दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्या है ना कि मतलब डिपार्टमेंट की इमेज जो है वो थोड़ी अलग अलग हो चुकी है, मतलब बहुत जो है क्या कहना कि 99% डिपार्टमेंट ये अपनी जी जान लगा के काम करता है, 1% कहीं ना कहीं मतलब हर जगह पे कमियां होती है, और उस कमियों को इतने बड़े लेवल पे फोकस करके दिखाना ये थोड़ा मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स मतलब फिल्म हो, वेब सीरीज़ हो या कोई भी मीडिया हो, कहानी के ऊपर वो डिपेंड होता है कि कहानी में उस पुलिस वाले का किरदार क्या है और वो किस तरह से अपना कैरेक्टर प्ले करता है। लास्टली यह चाहूँगा कि कैरेक्टर आर्टिस्ट जो होते हैं, कैरेक्टर रोल प्ले, जैसे अभी पंकज त्रिपाठी की बात कर लें तो बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी, कितना अच्छा माहौल समझते हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए किसी भी मीडियम में, टीवी हो, फिल्म हो या वेब सीरीज हो, उसके बारे में बताइए। हाँ, उनके बारे में तो क्या कहेंगे कि सॉरी कट, मतलब मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। एक खुशी की बात यह है ना कि जो अभी OTT प्लेटफॉर्म्स, जो अच्छे अच्छे OTT प्लेटफॉर्म्स पहले भी लॉन्च हुए हैं और अभी लॉन्च होने जा रहे हैं, इनका एक फ़ायदा हुआ है ना कि जो अच्छे थिएटर आर्टिस्ट थे, जो अच्छे परफॉर्मर थे, जो जिन्हें हम कहेंगे कि जो अच्छे रिएक्टर थे, उनको बहुत अच्छे लेवल पे अब कैरेक्टर रोल के ज़रिए, मेन रोल के ज़रिए काम मिलना शुरू हुआ है, जो कि बड़े बड़े फिल्मों में आज तक उनको छोटी छोटी भूमिकाएं या छोटे छोटे कैरेक्टर रोल्स मिलते थे। लेकिन अब जैसे ही ये डिजिटल का ज़माना अब बढ़ते जा रहा है, वेब सीरीज़ अब बड़े पैमाने पे आ रही है, तो इन वेब सीरीज़ में जितने भी अच्छे परफॉर्मर हैं उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुआ है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। प्लेटफॉर्म के बारे में, ये शो के बारे में आप प्रोड्यूसर हैं, तो क्या कहते हैं
क्या आश्वस्त किया आपको उसको सपोर्ट करने के लिए, और इजाज खान जो एक्टर है उनके बारे में जानना था कि उनको आपने लिया है तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम समीर राव साहब है, मैं इस प्रोडक्शन हाउस का मालिक हूँ, प्रोड्यूसर हूँ इस वेब सीरीज़ का। बेसिकली हैंकॉक के बारे में जब मुझे पता चला कि ऐसा एक OTT लॉन्च हो रहा है, उसके बाद में जब मैंने उन लोगों के साथ बात की तो मेरे समझ में आया कि ये जो अभी छोटे छोटे OTT निकल रहे शुरू हो रहा है उनके कंटेंट में और इन लोगों की सोच में बहुत फ़र्क है। इनको अच्छा कंटेंट चाहिए था, एक सोशल अवेयरनेस भी इस चैनल के लोगों के साथ में है, तो इसीलिए मैं अभी इस चैनल के साथ में काम कर रहा हूँ। अभी हमारी ये जो स्टोरी है सिस्टम अपडेट, ये स्टोरी पूरी तरह से ये जो हमारी समाज में आजकल रेप्स और ये सब जो हो रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड है, और इसमें हमने एजाज खान जी को कास्ट किया है और मुझे ऐसा लगता है कि इस किरदार के लिए वो बेहतरीन है, बेस्ट है। तो सर जानना चाहूँगा कि जो बहुत सिस्टम अपडेट दिखाया गया है कि किस तरह से आज के ज़माने में क्राइम रेट बढ़ रहा है और किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर दिया, कहीं कहीं जो कमी है वो भी दिखाया जाने की कोशिश की, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि इस तरह का विषय सामाजिक विषय है अगर देखा जाए तो कितना ज़्यादा प्रभावित करेगा लोगों को? बेसिकली अभी आजकल है ना, कोई भी OTT उठा के देखिए आप, क्राइम को हीरो बना रहे हैं। हमारी ये सिस्टम अपडेट, ये जो कहानी है, इसमें हमने कोशिश की है कि जो रियल हीरोज है सोसाइटी के वो लोगों के सामने है। एक लोगों का जो नेगेटिव नजरिया है इस सिस्टम की तरफ देखने का, उसको बदलना चाहेंगे या बदलना चाहिए लोगों ने, और ये जो हमारी कहानी है सिस्टम अपडेट की वो उसी तरह हमने पुट ऑन की है। मैं एक्चुअली बहुत सालों से थिएटर कर रहा हूँ, मराठी फिल्में डायरेक्ट की है, प्रोड्यूस की है, हिंदी प्रोडक्शन ये पहला है मेरा। इसके पहले मैंने मराठी में बहुत काम कर चुका हूँ एज एन डायरेक्टर, एज एन प्रोड्यूसर, और ये वेब सीरीज मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और ये पहला मेरा हिंदी प्रोजेक्ट है, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इतना अच्छा सब्जेक्ट मिला पहले ही प्रोडक्शन में, और इतना अच्छा OTT प्लेटफॉर्म मिला है हमको, और हमारे जो आर्टिस्ट है सब, इमरान हाशमी जी, एजाज खान जी, सब अच्छे नामचीन आर्टिस्ट है, बहुत बेहतरीन एक्टर्स है। जी अभी और कुछ OTT से बात चल रही है हमारी, इसी OTT के लिए और एक वेब सीरीज हम लोग कर रहे हैं, और भी कुछ OTTs है जिनके साथ में बातचीत चल रही है, और अब एंट्री हो गई है तो आप रुकेंगे नहीं, अब काम करते रहेंगे। देखिए, मैं डायरेक्टर हूँ इस प्रोजेक्ट का, मेरा नाम है रोहित चौधरी और मेरी इस वेब सीरीज का नाम है सिस्टम अपडेट, और ये एक हैंकॉक नया OTT ऐप आ रहा है उसके लिए, बहुत अर्जेंट है, प्लीज। हाँ जी सर, अरे सर क्यों नाराज होते हो रोहित? देखिए, मेरा नाम है रोहित चौधरी, मैं डायरेक्टर हूँ और इस प्रोजेक्ट का नाम है सिस्टम अपडेट वेब सीरीज, ये हम हैंकॉक OTT ऐप के लिए कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो आज के टाइम में लड़कियों के साथ जो रेप और मर्डर्स हो जाते हैं उसके बावजूद भी अपराधी अपने पैसे के दम पे बच जाता है, तो एक इस तरीके का प्रोजेक्ट है कि ये समाज में बहुत गलत हो रहा है, उसको रोकने का तरीका। तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा फुल सस्पेंस के साथ में है कि कैसे क्या, किसने किया, उसके बाद में एक IPS ऑफिसर जो हमारे एजाज खान कर रहे हैं लीड में रोल, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए। बहुत मुश्किल होती है उनको भी, बहुत परेशानियाँ होती हैं, बट एक हीरो है अपना, तो उस सस्पेंस को तोड़ता हुआ, चीरता हुआ लास्ट में जाके वो इस चीज़ को समझता है
और फिर वो चीज़ पर्दे पे लेके आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, और ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि ये समाज की कुरीतियाँ है। आज के शूट करना था ये कि आज क्या सिचुएशन माने वाले हैं। आज हमारा एजाज खान के जो पुलिस स्टेशन के कुछ सीन है, जो अपना एक आईपीएस ऑफिसर की एंट्री है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब दिल्ली की तरफ से आता है और फिर यहाँ पे अपने पूरे सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करता है, तो वही पुलिस स्टेशन के उनके कुछ सीन है जो हम शूट करने वाले हैं। देखिए डायरेक्शन की चीज़ों को या बजट से तुलना नहीं की जाती, बजट तो इंडस्ट्री में है कम ज़्यादा होता रहता है, बट प्रोजेक्ट होता है मेन, आपका कॉन्सेप्ट होता है और फिर उसको दिखाने का तरीका होता है, तो ऐसा नहीं है कम बजट में भी अच्छी चीज़ें बनती हैं, नो डाउट। और हम लोग ये बहुत जल्दी हैंको को टी ऐप पे देखेंगे, फरवरी में रिलीज हो जाएगा ये 15 तारीख के आसपास। इससे पहले मैं दल्ला वेब सीरीज कर चुका हूँ अस्मित पटेल के साथ में, उससे पहले लगभग नो एड में एज ए डायरेक्टर कर चुका हूँ, साउथ में मैं काम कर चुका हूँ और काफ़ी प्रोजेक्ट और काफ़ी बड़े डायरेक्टरों के साथ भी कर चुका हूँ, तो मेरा 23 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है बॉलीवुड में और बस इतना ही काफ़ी है। तो कब तक दर्शकों को देखने मिलने वाला है ये? आई थिंक 15 फरवरी तक इसको सिस्टम अपडेट को देख पाएंगे, और हैंको के ऐप पे देखिए, नया ऐप है और काफ़ी अच्छा ऐप है, सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसको, और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।